थैंक यू चेयरमैन सर। सर, ये कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट आधा हो जाता है, उसका जो मानसिक तनाव से ही वो मैं मरने वाला हूँ इस तरह की सोच बन जाती है। और इसकी वजह से मैं सबको आपके ज़रिए बताना चाहूँगा, तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कैंसर के बारे में, सभी को पता रहना चाहिए। वन इज़ दैट द कैंसर कैन बी क्योर्ड। कैंसर को का हम कैंसर क्योर कर सकते हैं, यह हमें सबको पता रहना चाहिए। कैंसर इज़ ट्रीटेबल, उसके लिए उपचार है। वैसे ही इफ़ देर इज़ एन अर्ली डायग्नोसिस देन वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। तो जल्दी से जल्दी यदि डायग्नोसिस होता है तो उपचार करने में आसानी हो जाएगी। इसके लिए लसीकरण भी है, यानी इम्यूनाइजेशन भी हो सकता है कुछ कैंसर के लिए, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स को दे सकते हैं हम, जिसकी वजह से उनको सर्वाइकल कैंसर नहीं हो पाएगा। वैसे ही प्रिवेंशन के लिए लेडीज़ में मैमोग्राफी, जो ब्रेस्ट कैंसर का बहुत प्रमाण ज़्यादा है, मैमोग्राफी कर सकते हैं। और भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो करने से अपने को जल्दी ही डायग्नोसिस कर सकते हैं। वैसे ही उसमें जो अबव 40 मेल्स हैं उनका हम प्रोस्टेट के लिए, कैंसर के लिए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। उसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल देखेंगे तो पता चल जाता है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार की तरफ से ये सब जो टेस्ट प्रिवेंशन के लिए हो सकती है वो आम तौर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध है, लेकिन उसका उपयोग अवेयरनेस यदि ज़्यादा क्रिएट करेंगे तो लोगों तक के ज़्यादा तरीके से अच्छे से पहुंच पाएंगे। वैसे ही कैंसर के बारे में, जैसे ही डायग्नोसिस हो जाता है कि ये पेशेंट को कैंसर है, उसे मिलने के लिए जितने भी लोग आते हैं, हर आदमी अपना अपना सुझाव देता है और बताता है कि मैं इसके पास वो पेशेंट गया था और वो सही या ठीक हो गया। और इस सुझाव से बहुत परेशानी होती है कि क्योंकि यह उनका अनुभव है लेकिन वो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम समझना चाहिए कि मेरे पिताजी जो अराउंड 55-60 साल के थे, तो उनको पहले 40 के उम्र में नज़दीक के लिए चश्मा लगता था। मैं एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। तो उनको वो चश्मा 55 साल की उम्र में उनको नज़दीक का चश्मा नहीं लग रहा था और छूट गया। उनको लगा कि मेरी आंखें सुधर गई है, अभी मैं बगैर चश्मे से पढ़ सकता हूँ। लेकिन मुझे पता था कि एक न्यूक्लियर टाइप ऑफ कैटरेक्ट जो अपने कॉमन है इंडिया में, उसकी शुरुआत में, उस मोतियाबिंदु की शुरुआत में हमें नज़दीक का अच्छा दिखने लगता है और दूर का हल्का सा कम। तो ये नज़दीक का अच्छा दिखता है तो वो बोलते थे कि मैं शीर्षासन करता हूँ इसलिए ये नंबर छूट गया। काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं क्लिनिक में कि वो बोलते हैं कि हम ऑटो यूरिन थेरेपी कर रहे हैं, अभी मेरा चश्मा छूट गया, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनको कैटरेक्ट की शुरुआत है जो न्यूक्लियर टाइप है। तो ये जो है हमारी समझ कि हमारा अनुभव है, उनका अनुभव सही होगा लेकिन वो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। तो इसलिए हमेशा इस बात के बारे में सोचना चाहिए, जब भी हम अपना अनुभव किसी को बताते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा ही करो, तो उसके पहले क्या उसके बारे में साइंटिफिक स्टडी हुई है, उसके बारे में साइंटिफिकली अप्रूव्ड स्टडी होती है सर, बाद में ही वो अप्रूवल करके ड्रग करके आ सकता है। तो इसलिए मैं ये सबको बताना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस और एविडेंस में फ़र्क है, और वो यदि हम समझते हैं तो ये कैंसर की बीमारी के लिए जितने भी लोग जो जो अपने दिल से कहते हैं कि इससे ठीक होगा उससे ठीक होगा, उसके तरफ ख्याल ना देते हुए जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है उसके तरफ ही ख्याल देना चाहिए। वैसे ही सरकार की तरफ से ये जो मैंने अभी जो बताया, वो साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने कहा है, उसका भी प्रोपोगेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ में इतने बाबा लोग हैं जो मेडिसिन देके सबको ठीक कर रहे हैं, ऐसा उनका 100% गारंटी से बात करते हैं। तो इसके लिए साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही सरकार की तरफ से मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहूँगा कि प्राइस कंट्रोल जो सरकार ने किया है, मैं बताना चाहूँगा कि कैंसर के लिए 72 फॉर्मुलेशंस आर अंडर प्राइस कंट्रोल बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये पहली बार हुआ है कि 72 फॉर्मुलेशंस जो है वो कैंसर के लिए प्राइस कंट्रोल में आ गया, जिससे 355
355 ब्रांड्स में अफेक्ट हुआ है और 85% से ये जो कॉस्ट है वो कम हुई है, तो कॉस्ट कम हुई है। तो ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है सरकार की तरफ से लोगों को मिली हुई। वैसे ही जो एसेंशियल मेडिसिंस है उसका भी करीबन 1000 से ज़्यादा ड्रग जो है वो एसेंशियल मेडिसिंस में प्राइस कंट्रोल में आए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मेडिकल डिवाइसेस, आज तक के मेडिकल डिवाइसेस कभी भी प्राइस कंट्रोल में नहीं आए थे, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस जिसे हम कार्डियक स्टेंट कह सकते हैं, नी जॉइंट है, ये डिवाइसेस भी प्राइस कंट्रोल में आने से हजारों नहीं लाखों लोगों को इसका फायदा हुआ है और करोड़ों लोगों रुपए की बचत हुई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार के तरफ से पॉजिटिवली एक रिस्पॉन्स, सकारात्मक रिस्पॉन्स है कि लोगों का जो खर्चा है, खर्चा काफ़ी बार ऐसे लगता है कि डॉक्टर का ज़्यादा खर्चा है। मेरा कहना यह है कि सबसे ज़्यादा खर्चा दो चीज़ों पे होता है, इन्वेस्टिगेशंस एंड ड्रग्स मेडिसिंस। तो ये इसमें मेडिसिन पे सरकार ने बहुत कम खर्चा किया हुआ है। वैसे ही हम जब भी बड़ी बीमारी होती है, और कैंसर एक बड़ी बीमारी है सबको पता है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो पहली बार इस देश में 50 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी ने जो मोदी केयर लाई है ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि 5 लाख तक के जो भी खर्चा होता है वह खर्चा मोदी केयर में अपने आप ही वो सरकार की तरफ से भरा हुआ पैसे भरे हुए जाते हैं, जो कार्ड है उसी से ऑटोमेटिकली जो जहाँ पे वो ट्रीटमेंट ले रहा है उस डॉक्टर को या उस हॉस्पिटल को मिलते हैं। तो ये हम जो कहते हैं कि बड़ी बीमारियों से जो अच्छे लोग हैं वो भी जितना खर्चा आता है उससे दारिद्र रेखा के नीचे चले जाते हैं, वो सब इस मोदी केयर से प्रिवेंट हो सकता है और प्रिवेंट हो रहा है और लाखों लोगों को इससे फायदा हुआ है। इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा लोगों की तरफ से। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बीमारी कैन बी एनीवेयर बट मोदी केयर इज एवरीवेयर, और जिसकी वजह से सभी लोगों को फायदा हो रहा है। वैसे ही मेरे कुछ सुझाव है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो यदि हम करते हैं तो ये कैंसर पहले, जैसे डायग्नोसिस होने के पहले और ना हो, इसके लिए हम अपने आप ही कम खर्चे में ट्रीटमेंट कर सकते हैं या कम खर्चे में वो पूरी तरह से क्योर भी कर सकते हैं। वैसे डी एडिक्शन सेंटर्स और डी एडिक्शन के लिए टोबैको और वैसे उस समान जो ड्रग्स हैं, उस सब्सटेंसेस हैं, उसका यूज़ कम हो, इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमोशनली स्ट्रांग जनरेशन बने। और इसके लिए जो भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या एडल्ट्स हैं, उनके लिए वो इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने, इसके लिए हमें स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। और नए एजुकेशन पॉलिसी में इसका ये इंक्लूड होना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरी है कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, लाइफ स्किल्स जो हम जीवन कौशल कहते हैं, जैसे हमें टोबैको कोई ऑफर करता है और क्या तुम छोटे बच्चे हो, क्या तुम्हारा अनुभव नहीं, फिर भी तुम कैसा बोल सकते हो टोबैको से कैंसर होता है, तो ये सिखाने से वो लेना शुरू करता है। तो नहीं बोलने के लिए भी जो कॉन्फिडेंस लगता है वो जो है वो बहुत ज़रूरी है कि सोशल ये जो लाइफ स्किल्स है उसी से आ सकता है, और इसलिए वह एजुकेशन पॉलिसी में रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही एयर पोल्यूशन और बाकी जो चीज़ें बताई सभी ने, फूड कि भाई जो कंटामिनेशन है ये केमिकल्स का वो कम होना चाहिए, इसके लिए भी सरकार की तरफ से जो भी योजना है वो उसका कार्यान्वित होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे सुझाव है और मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।